जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। गोपालगंज सदर प्रखंड के विष्णुपुर गांव निवासी एक कलयुगी बेटे ने अपने ही वृद्ध माँ बाप को घर से निकाल दिया है, जिससे वृद्ध माँ बाप विष्णुपुर गांव के पास बांध पर शरण लेकर जीवन गुजारने को बाध्य हैं। ग्रामीणों द्वारा उन्हें खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, लेकिन उसकी बहू द्वारा दिए जा रहे गाली के कारण ग्रामीण अब उनका मदद चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि विष्णुपुर गांव निवासी 70 वर्षीय दरोगा सहनी पिछले 15 वर्षों से कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। इकलौता बेटा भीकन सहनी कुछ वर्षों तक इलाज करवाया, लेकिन पिछले 2-3 माह से उसे घर से निकाल दिया, जिससे दोनों वृद्ध दंपत्ति इधर उधर भटकते और अंत में एक सरकारी स्कूल में शरण ले लिए। लेकिन स्कूल खुलने के बाद अब ये दंपत्ति बांध पर चिलचिलाती धूप व बारिश में एक प्लास्टिक के सहारे जीवन गुजारने को विवश हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दरोगा सहनी कुष्ठ रोग से ग्रसित है, लेकिन उसका बेटा छुआछूत को लेकर घर से निकाल दिया, ऐसे जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां सुनसान इलाका, ना पानी की व्यवस्था है और ना ही खाने को ही कुछ देता है। इनकी बहू भी लगातार गालियां देती हैं, इससे हम लोग चाहकर भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आरोपी बेटा भीकन सहनी से जब बात की गई तो उसने बताया कि 15 वर्षों से कुष्ठ रोग है, काफी इलाज करवाया ठीक नहीं हुआ, शौच जाने में दिक्कत होती है इसलिए बांध पर प्लास्टिक लगा कर रख दिए हैं, खाना पीना भी दिया जाता है। गोपालगंज के बिशुनपुर कुटी में कुष्ठ रोग होने से बहू और बेटे ने घर से निकाला है। आपको बता दें कि दरोगा सहनी नाम पड़ेगा इनका और नगर जादवपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और इनका कहना है कि हमको कुष्ठ रोग हुआ है जिसके कारण यहाँ घर के लोग निकाल दिए हैं। का बोलवा यहाँ के निकल ले बाबे के निकल ले बाबे बेटा पुतन निकल ले बाबे का हो बोल बरू गा गिरो घर से निकाल दे ले बोलो हाँ रात नहीं बोल बाबा तो घर से निकाल दे ले बोलो कहाँ रहता नहीं हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।